महाकाल पूजा स्वर ललिता कालिदास कविता को मलता भुवन मलंकुर ते उज्जयिनी जयते नव रत्न सभालंकृत लोका रेखा निरंतरा श्रृंगार नीति वैराग्य सुधानंदित वसुंधरा विक्रम भर्तृहरि जनतांगी कुरुते उज्जयिनी जयते। वैभवशालिनी उज्जयिनी उत्कर्ष के साथ जय करने वाली नगरी उज्जयिनी भारत की 7 प्राचीन महानगरियों में एक महाकालेश्वर की उज्जयिनी प्रतिकल्पा अवंतिका कुशस्थली कनकश्रृंगा श्री विशाला और उज्जैन जैसे अनेक नामों से सुशोभित नगरी उज्जयिनी साहित्य शिक्षा धर्म संस्कृति कला उद्योग व्यापार इतिहास और सर्वधर्म संभाव की नगरी महाकाल सांदीपनी व्यास विक्रम कालिदास भर्तृहरि बाण शुद्रक उदयन वासव दत्ता चंड प्रद्योत और नवरत्नों की प्रिय उज्जयिनी सरस्वती के वरद पुत्र राजशेखर की यह नगरी सुरम्य शिप्रा नदी के तट पर बसी है। महाकवि कालिदास की प्रतिभा को भी इसी पुण्य सलीला शिप्रा के सरस मलय मंद समीरण ने प्रेरणा प्रदान की है। प्राचीन परंपरा अनुसार उज्जयिनी और महाकाल वन का प्रवेश द्वार है 24 खंबा। शिप्रा जब पूर्व पर आती है तब वह 24 खंबा की देहली छू लेती है। महाकवि राजशेखर ने लिखा है, इस द्वार के द्वारपाल तक उज्जयिनी में प्रवेश से पूर्व विद्वानों की भी परीक्षा लेते थे कि वे इस नगरी में प्रवेश योग्य भी है या नहीं। अलंकृत शिल्प शैली में निर्मित यह खूबसूरत द्वार नवम दशम शताब्दी का मानो मूक साक्षी है। द्वार से प्रवेश कर हम रुद्र सागर आ पहुंचते हैं। रुद्र सागर जहां कभी लक्ष कमल खिला करते थे। रुद्र सागर का यह किला जिससे किंवदंतियां जुड़ी है सम्राट विक्रम के न्याय सिंहासन की, उनकी 32 पुतलियों वाले सिंहासन की रोचक कथा सिंहासन 32 शकों को परास्त करने वाले शकारी सम्राट विक्रम, जिनके नाम पर स्थापित विक्रम संवत संसार में प्रचलित लगभग सभी ऐतिहासिक संवतों से प्राचीन है। विक्रम संवत जिससे आज हम 21वीं शताब्दी के मध्य खड़े हैं। मातृ पूजन परंपरा का केंद्र है हरसिद्धि देवी का यह मंदिर। शिव पुराण में लिखा है, दक्ष प्रजापति यज्ञ में सती की कोहनी यहीं गिरी थी। तंत्र परंपराओं में हरसिद्धि को सिद्धपीठ माना जाता है, शक्ति की आराधना स्थली। मंदिर के सुंदर आंगन में मराठा काल में निर्मित 2 भव्य ज्योति स्तंभ खड़े हैं। पास की सड़क हमें शिप्रा के किनारे किनारे बने कच्चे पक्के सेतु से होते हुए चिंतामन गणेश पहुंचा देती है। चिंतामन गणेश का यह मंदिर अत्यंत ही प्राचीन और भव्य है। लोक परंपरा हर मंगल कार्य चिंताहरण गणेश की वंदना से ही आरंभ करती है। चिंतामन से मुड़ते ही हम आप पहुंचते हैं ग्रह नक्षत्रों की अध्ययन स्थली वेदशाला पर। सवाई राजा जयसिंह द्वारा सन 1725 में निर्मित यह वेदशाला शून्य अक्षांश पर स्थित मानी जाती है। वैसे भी पुराणों में उज्जयिनी को
मणिपुर चक्रम अवंतिका अर्थात मानवाकृति भारत का नाभि स्थल माना गया है। कुछ विद्वान उज्जैनी को ज्योतिष की जन्मभूमि भी मानते हैं। कभी सारे संसार का समय निर्धारण भी उज्जैनी के समय मान से गणना की जाती थी। ग्रीनविच मेन टाइम से भी पहले मान्य था उज्जैनी स्टैंडर्ड टाइम। यहाँ सम्राट यंत्र, दिगंश यंत्र, नाड़ी वलय यंत्र, भित्ति यंत्र, पलभा यंत्र आदि हैं। ज्योतिष ग्रंथों पर भी कार्य हुआ है। ज्योतिष और खगोल के महान विद्वान महामहोपाध्याय पंडित नारायण जी व्यास ने वर्ष 1923 में इस वेधशाला का पुनर्निर्माण करवाया। एक समय में एक साथ दोनों हाथों से लिखने वाले ऋषि तुल्य नारायण जी महाराज असंख्य शिष्यों को निशुल्क वस्त्र, भोजन और आवास के साथ साथ ज्योतिष व्याकरण शिक्षा देते थे। बड़े गणपति की यह कलात्मक विशाल और भव्य प्रतिमा उन्हीं के द्वारा स्थापित है। पिपरा के किनारे किनारे हम आ पहुंचे हैं नाथ संप्रदाय के महान सिद्ध योगी सम्राट विक्रम के बड़े भाई राजर्षि भर्तृहरि की गुफा पर। संस्कृत के सिद्धहस्त कवि और नीतिकार योगी भर्तृहरि राग से विराग लेकर नाथ संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे। उनकी पत्नी का नाम रानी पिंगला था, जिसे वे सर्वाधिक स्नेह करते थे। उनके वियोग ने उन्हें वैराग्य दे दिया। भर्तृहरि पिंगला की कथा मालवी माच की सबसे लोकप्रिय कथा है। योगी भर्तृहरि के लिखे संस्कृत काव्य शतक त्रय, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, नीति शतक संस्कृत साहित्य का अमृत प्रसाद है। यह साधना स्थल आज भी जागृत और ज्योत है। बाहर ही है पीर मत्स्येंद्रनाथ की समाधि। हिंदू मुसलमान भाई यहाँ शारदोत्सव पर्व मनाने साथ साथ एकत्र होते हैं। उज्जैनी की तांत्रिक परंपरा में मद्यपान करते काल भैरव की यह प्रतिमा अत्यंत प्राचीन और भव्य है। प्रयाग के अक्षय वट, वृंदावन के वंशी वट सा पवित्र और प्रसिद्ध है उज्जैनी का सिद्ध वट। सिद्ध वट में मोक्ष कर्म, पिंडदान एवं अंत्येष्टि का विशेष महत्व है। गीता के गायक भगवान श्री कृष्ण उज्जैनी में जन्मे नहीं थे, शरारतें भी नहीं की, मगर अपने बालपन के मित्र सुदामा और भाई बलराम के साथ पढ़ने अवश्य इस नगरी में आए थे। महर्षि सांदीपनी के इस गुरुकुल आश्रम का महाभारत एवं ब्रह्म पुराण भागवत में विशद वर्णन है। सब जगह बैठी किंतु यहाँ आश्रम और गुरु के सम्मान में खड़े नंदी की प्रतिमा है। प्राचीन चित्रों, कला शिल्प, अभिलेख के अलावा अन्यान्य पुरातात्विक प्रमाण भी स्थान की प्राचीनता दर्शाते हैं। इसी कुंड में बालकृष्ण पठन काल में अपनी अंक पट्टिका धोते थे, इसे आज अंकपात कहते हैं। मत्स्य पुराण में लिखा है अवंत्या च कुजो जातः, अर्थात उज्जैनी मंगल ग्रह की जन्मभूमि है। ऐसा तो संभव नहीं, किंतु संभवतया कभी मंगल ग्रह की खोज भी यहां से हुई होगी। लोक परंपरा अनुसार महाकवि कालिदास की आराध्या गढ़कालिका देवी भी यही है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा हो देवता भी वहीं निवास करते हैं। उज्जैनी देवियों की नगरी है, शक्ति पूजन परंपरा की नगरी है, सिद्धि साधना और साधकों की नगरी है। नगर के चारों कोनों पर एक एक देवी प्रतिमा स्थापित है। नगर की सुरक्षा करने वाली ऐसी ही एक देवी है प्राचीन उज्जैनी के दक्षिण पश्चिम कोने की देवी नगरकोट की महारानी। शिप्रा तट पर प्राचीन परकोटे पर स्थित होने से नगरकोट की महारानी का पुरातात्विक महत्व भी कम नहीं है। इसी मार्ग पर सम्राट अशोक के काल में निर्मित प्राचीन कारावास नरक और आज का आधुनिक जेल भवन है।
भैरूगढ़ क्षेत्र में स्थित इसी जेल के कैदियों द्वारा निर्मित भैरूगढ़ प्रिंट की चादरें मनमोहक और दर्शनीय तो है ही, भारत भर में प्रसिद्ध ये चादरें विदेशों में भी निर्यात हो रही है। प्रकृति के सुरम्य शांत वातावरण में कुंडों और क्यारियों में इटलाती बलखाती क्रीड़ा कल्लोल करती शिप्रा की लोल लहरों वाली धारा के एकांत संगीत में ध्यान मग्न योगी सा यह कौन खड़ा है। कालिया देव महल अबुल फजल ने आईने अकबरी में तथा उर्दू के मशहूर तवारीख फरिश्ता में एवं अकबर नामा जैसी किताबों में इस जल महल की खूबसूरती का बेहिसाब जिक्र किया है। सूफी संत मौलाना रूमी का मकबरा महल के झरोखे से साफ साफ दिखता है। वस्तुतः उज्जैनी अनेक धर्मों का केंद्र है, सद्भाव की शिप्रा मानो यहां बहती है। उज्जैनी में एक नन्हा सा किंतु कर्मठ समाज है, बोहरा समाज। आगे जाने पर भव्य कलात्मक नक्काशीदार बोहरू का रोजा यहां देखने को मिलता है, जहां प्राय सभी मजहब के लोग दुआएं मांगने आते हैं। चमत्कारों की इस नगरी में कदम कदम पर मंदिर मस्जिद और उससे जुड़ी चमत्कार कथा देखने को मिलती है। ऐसी ही एक है यहाँ की यह मस्जिद जो बगैर नींव के खड़ी। इस नगरी की जब हर बात में चमत्कार पवित्रता प्रसिद्धि जुड़ी है तो भला उज्जैनी की मेहंदी कुंकू और सुहाग सिंदूर का यह बाजार भला कोई भुला सकता है। गोपाल मंदिर के भीड़ भरे चहल पहल रेलम पेल वाले इस इलाके में स्थित यह बाजार गोपाल मंदिर की शान है। गोपाल जी का यह मंदिर महारानी बाईजाबाई शिंदे ने स्थापित किया था। सिंधिया वंश कृष्ण की शिक्षा स्थली में जन्माष्टमी मनाने आज भी अवश्य इकट्ठा होता है। अर्धरात्रि में तब बाल गोपाल झूलते हैं हार फूलों का झूला। हार फूलों से उनकी महक से कौन बचा है। तब भला इन गजरों और गवाक्षों से सुकोमल महाकवि कालिदास कैसे बचते। मालीपुरे और पटनी बाजार के इन हार फूल गजरों से होकर गुजरने का संदेश उन्होंने अपने मेघों को भी दिया था। जब तुम घन घनघोर गंभीर गर्जन से शिव तांडव सा दृश्य निर्मित कर लो तो इस रास्ते से होकर महाकाल मंदिर की आरती में अवश्य शामिल होना। इस पावन पवित्र भूमि के प्रमुख देवता हैं भूत भावन भगवान महाकाल। चांदी की कलापूर्ण रजत जलाधारी और नाग वेष्टित भूत भगवान भगवान महाकाल की यह विशाल स्वयंभू प्रतिमा दक्षिण मुखी है। तांत्रिक परंपरा में दक्षिण मुखी प्रतिमा और पूजा का महत्व 12 ज्योतिर्लिंगों में केवल महाकालेश्वर को ही प्राप्त है। खगोल एवं भौगोलिक गणना अनुसार लंका से सुमेरु तक जो देशांतर रेखा गई है वह महाकाल के ऊपर से जाती है। वराह मिहिराचार्य के अनुसार 21 मार्च के दिन वर्ष में एक बार सूर्य भी भगवान महाकाल के शिखर के ठीक मस्तक पर आ जाता है। उज्जैनी के अक्षांश और सूर्य की परम क्रांति दोनों 24 डिग्री मानी जाती है। सूर्य की यह स्थिति उज्जैनी के सिवाय दुनिया के किसी भी अक्षांश पर नहीं होती। अतः यही एक ऐसा स्थान है जिससे काल समय का निर्धारण सहजता से संभव है। महाकाल सिर्फ देवता ही नहीं वैज्ञानिक तथ्य भी है। क्रीड़ा कुंडलितो
रगेश्वर तनु पारादिरूढाम्बरा। श्रावण मास के प्रति सोमवार शिव जी की सवारी निकलती है। तब मानो प्रजापालक शिव स्वयं अपने सर्वहारा जन से मिलने निकलते हैं, उनके दुख दर्द सुनने निकलते हैं। अंतिम सवारी की गौरव गरिमा और भव्यता चमत्कृत कर देने वाली विशाल झांकियां दर्शनीय होती है। राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सांप्रदायिक स्नेह सौहार्द का भी सबसे बड़ा उदाहरण है यह सवारी। शहर के मुस्लिम कलाकार भाई अपने बैंड समूह को सजा धजा कर सवारी की शोभा वृद्धि करते हैं। मंदिर से आरंभ होकर सवारी नगर के टेढ़े मेढ़े सर्पिले वक्राकार गली कूचों से गुजरती शिप्रा तट पर पहुंचती है, जहां शिप्रा स्वयं प्रतीक्षारत रहती है, मानो अपने शिव के पद प्रक्षालन करने, चरण छूने। मिलन के उपरांत सवारी का रूप पूर्णिमा के चंद्र सा खिल उठता है। तब राजा और प्रजा में कोई भेद नहीं रहता। सवारी जन जन के सैलाब का सलाम लेती, प्रणाम लेती, पुनः मंदिर की ओर बढ़ती। तब तक ये भव्यता उत्सव अपने परम चरम पर पहुंचकर दैदीप्यमान हो उठती। शिप्रा जो उज्जैनी की धड़कन है, स्पंदन है, जीवन रेखा है। उसके हृदय में कितने मेले, रेलम पेल, साधु संत, जन जन कवियों के प्राण, नहान सिंहस्त और रंगों भरे कार्तिक मेले, सवारी और सादे नहान समेटे हैं। फिर भी कितनी गहन, गंभीर और शिप्र। शिप्रा तट से ऊपर आने पर है आधुनिक उज्जैनी के तपस्पूत भास्कर पंडित सूर्य नारायण व्यास का आवास भारती भवन। इसी भारती भवन के झरोखे से उज्जैनी में एक व्यास युग का निर्माण किया था पंडित व्यास ने। यह आवास नहीं, कला, साहित्य, शिक्षा, संस्कृति, प्राच्य भारती की आराधना का स्थल और क्रांतिकारियों के स्वाधीनता संघर्ष का रेन बसेरा है। विक्रम संपादक व्यास जी ने विक्रम संवत के 2000 वर्ष पूर्ण होने पर संकल्प धारण कर अपने भगीरथ प्रयासों से संस्थापित किया मालवा का पहला गौरवशाली विश्वविद्यालय विक्रम विश्वविद्यालय। इस धार्मिक पुरातन नगरी में उन्होंने विक्रम और कालिदास के नाम पर मठ और मंदिर नहीं, शिक्षा अनुसंधान, कला संस्थान, शोध संस्थान स्थापित किए। शोध साहित्य का प्रकाशन हुआ। विक्रम स्मृति ग्रंथ जैसा महान संदर्भ ग्रंथ हिंदी, मराठी और अंग्रेजी में एक साथ प्रकाशित हुआ। विक्रम कीर्ति मंदिर और सिंधिया शोध प्रतिष्ठान भी उसी महानुष्ठान के प्रतिफल है। अतीत काल में ज्ञान का यह केंद्र तक्षशिला, नालंदा, काशी सा वैभव उज्जैनी का हो, वही वैभव बताते हैं पुरातत्व संग्रहालय, दुर्लभ प्राचीन प्रतिमाओं के ये संस्थान और शोध उत्खनन के संग्रह कक्ष। महाकवि कालिदास के नाम पर स्थापित यह कालिदास अकादमी प्रतीक पुष्प है वर्ष 1928 से उज्जैनी में मनाए जा रहे अखिल भारतीय कालिदास समारोह का। आधुनिक उज्जैनी भी अब खूब फैल गया है, इतना कि अब वह उज्जैन हो गया है। कोठी बंगला एक समय का महल आज की आधुनिक अदालत है, प्रशासनिक दफ्तर है। महल का ऐश्वर्य, वैभव, नक्काशी अपनी जगह है, नक्शे अपनी जगह।
दूसरी तरफ देखिए तो प्राचीन उज्जैनी और आधुनिक उज्जैन के मध्य खड़ा समय सूचक शहर का सबसे पुराना घंटाघर आज भी वैसा ही अचल खड़ा है, मानो कहता हो मैं समय हूँ, मैं काल हूँ, मैंने युग बदलते देखे हैं पर मैं निश्चल हूँ। इस पुरातन नगरी को आधुनिक नगर से जोड़ता है यही एक सेतु। 6 लाख से अधिक जनसंख्या वाला यह नगर व्यापार व्यवसाय उद्योग धंधे रोजी रोटी की भागम भाग में लगा है। प्रमुख बोली मालवी भाषा है जो अवंती से जन्मी है। सुंदर मंदिर की छटा वाले नवनिर्मित रेलवे स्टेशन पर खूब चहल पहल है। रेल मंत्रालय ने इस नगरी को हर नगर से जोड़ने का प्रयास किया है। यह सुंदर मनोरम नगरी जिसे 3 तरफ से शिप्रा बाहों में घेरे है आज भी बहुत कुछ अजानी है। राष्ट्रीय तिव्रत के रूपायन में यहाँ के इतिहास के अभी भी अनेक अधखुले पन्ने पढ़े जाने शेष हैं। इस अधुनातन नगरी ने भी हिंदी साहित्य संसार को अनेक रत्न दिए जिनमें पद्म भूषण सूर्य नारायण व्यास, प्रोफेसर रमाशंकर शुक्ल हृदय, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, पद्मश्री विष्णु श्रीधर वाकणकर जैसे महनीय नाम आज स्मृति शेष है। ये भी नरेश मेहता, मुक्तिबोध, प्रभाकर माथुर से लेकर शरद जोशी तक की परंपराओं की संवाहक ये नगरी प्रति 12 वर्षों में एक और महान परंपरा की बेसब्री से प्रतीक्षा करती है। जनसंकुल महाकुंभ का उमड़ता सैलाब सिंहस्थ महापर्व। आदिकाल से कथा है अमृत कुंभ कलश को लेकर इंद्रपुत्र जयंत भागा, देव दानव संघर्ष की यह कथा है। उसी अमृत कुंभ कलश से जहां जहां अमृत फलता वहां वहां प्रति 12 वर्षों में कुंभ पर्व मनाया जाता है। हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैनी वे पवित्र स्थल है। फिर उस पर्व के लिए अनेक मुहूर्त, वार, शुभ नक्षत्र, घड़ी, पल और गोचर भ्रमण भी उल्लेखित है। ये सराश गते सूर्ये सिंहरासौ बृहस्पतौ उज्जयिन्यां भवेत् कुंभः सर्वसौ सविवर्धनः। मेषराशि गते सूर्ये सिंहरासौ बृहस्पतौ कुंभयोगः सविज्ञेयः भुक्ति मुक्ति प्रदायकः। सिंह राशि में बृहस्पति और मेष राशि में सूर्य जब प्रवेश करता है तब तुला का चंद्र महायोग निर्माण करता है। जब ये सभी एक साथ एक समय घटते हैं तब यहाँ सिंहस्थ महापर्व मनाया जाता है। सिंहस्थ महापर्व पर लाखों नर नारी, श्रद्धालु, तीर्थ यात्री, समस्त जाति, संप्रदाय और मजहब का बांध तोड़कर यहाँ शिप्रा के तट पर भारत के अंदर मानो एक छोटा भारत बसा देते हैं। तब मन सहजी सह उठता है यह महान राष्ट्र असंख्य प्रेरणाओं से, शक्तियों से, एकता अखंडता के भाव सूत्र में बंधा है। महाकाल और पावन शिप्रा ने युगों युगों से असंख्य जन जन को उज्जैनी की ओर आकर्षित किया है। आइए इसी शिप्रा की आरती करें, स्तुति करें, वंदन करें जिसने अपने किनारे किनारे हमें नगरी समाई।
उज्जैनी सिर्फ नगरी ही के नहीं सारे राष्ट्र के साहित्य शिक्षा कला संस्कृति धर्म अर्थ काम और मोक्ष दायिनी नगरी है। ये नगरी नहीं समग्र इतिहास है, भारत के गौरवमयी उज्ज्वल साहित्यिक सांस्कृतिक और धार्मिक ऐतिहासिक अतीत का जीता जागता जीवंत ज्योतिर्मय ज्योतिपुंज स्मारक। कुसुमानिल मैत्री सुवासिता सर्वदेश भाषा वसनोज्वल यात्रा सुखान्विता नित्योत्सव सहिता प्रीतिपदं भजते उज्जैनी जयते